बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए माँ बाप के अथक प्रयासों की कई कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम मुंबई के एक स्कूल टीचर की कहानी आपके सामने पेश करेंगे, जिन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस भरने के लिए क्राउड फंडिंग का तरीका आजमाया। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का चंदा इकट्ठा किया। ये दान देने वाले ज्यादातर एनजीओ और व्यक्तिगत लोग थे। मुंबई के पवई इलाके में मौजूद एक स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम करने वाली शिरले पिल्लई ने खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि उनकी ये पहल इतनी कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बतौर टीचर ये उनके लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान अभिभावकों के अंदर बच्चों की शिक्षा और उनकी स्कूल फीस को लेकर उन्होंने एक चिंता देखी थी। शिरले पिल्लई पवई हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। 27 मई 2021 को एक खबर के मुताबिक कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। फरवरी महीने में 90 लाख का दान पिल्लई को मिला। पिल्लई ने इस 1 करोड़ रुपए से जरूरतमंद बच्चों की फीस भरी और उनकी पढ़ाई छूटने से बचाई। रिपोर्ट मेट्रो।